दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजेश कुमार सिंह ने 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर प्रशासनिक कार्यालय पर ध्वजारोहण कर झंडे को सलामी दी। इस अवसर पर कुलपति प्रोफेसर राजेश कुमार सिंह ने कर्मचारियों व छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि 73वें गणतंत्र दिवस की सभी छात्रों कर्मचारियों व अधिकारियों को बधाई व शुभकामना देता हूँ तथा हम सभी को गर्व है कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के साथ 73वें गणतंत्र दिवस के साक्षी हो रहे हैं। उन्होंने कहा, हम वीर शहीदों को नमन करते हैं। उन्होंने कहा, 1947 में देश आजाद हुआ, लेकिन देश के पास संविधान नहीं था। तब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में हमारा संविधान बना और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। हम सब देश को आजाद कराने वाले उन महान सपूतों को श्रद्धांजलि देते हैं। मीडिया के प्रतिनिधि, एनएसएस, एनसीसी, रॉबर्ट्स लोजर के कैडेट्स, छात्र छात्राओं, देवी शिशु, सबसे पहले मैं 73वें गणतंत्र दिवस पर आप सभी का अभिनंदन करता हूं और बधाई देता हूं। हम सबके लिए यह पावन अवसर है कि हम आजादी के अमृत वर्ष में गणतंत्र दिवस समारोह के साक्षी हो रहे हैं। हम आपके आजादी नायकों की शहादत को याद करते हुए उनके प्रति सम्मान भाव प्रकट करते हैं। भारत हर 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, जाता रहा है। 1947 में जो भारत आजाद हो गया, ब्रिटिश राज से स्वतंत्रता मिल गई, लेकिन भारत ने के पास अपना संविधान नहीं था। बाबा साहब अम्बेडकर के नेतृत्व में संविधान की संरचना की गई और 26 जनवरी 1950 से लागू किया गया। उसी दिन से यह गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। मैं उन सभी वीर जवानों की शहादत को नमन करता हूँ जिन्होंने राष्ट्र रक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया, आज के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। आज के अवसर पर हम सभी वैज्ञानिकों, एकेडमिशियन को याद करें जिन्होंने देश और समाज के लिए विकास का कार्य किया।